सर्वाइकल स्लिप डिस्क का इलाज। नॉर्मली अगर हम देखें तो सर्वाइकल स्लिप डिस्क एक या दो लेवल पे सर्वाइकल स्पाइन में या गर्दन में डिस्क अपनी जगह से हिल जाने की वजह से होती है। इसमें दोनों में से किसी भी तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो स्पाइनल कॉर्ड दबने के या नर्व रूट दबने के। अगर आपने मेडिसिन से एक्सरसाइज ट्राई नहीं करी है तो इसमें हमेशा शुरू में मेडिसिन या एक्सरसाइजेस ट्राई करें। नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको 3 से 6 हफ्ते के लिए मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, रेस्ट, फिजियोथेरेपी या कॉलर पहनने की सलाह देंगे। 95% लोग इसमें बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ उनको पड़ती है जिनका कि हाथ या पैरों में वीकनेस आनी शुरू हो जाए, या मोशन यूरिन का कंट्रोल जाने लगे, या दर्द इतना ज़्यादा हो जो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, या फिर सुन्नपन या भारीपन इतना ज़्यादा हो जो कि परेशान कर रहा हो। इन 3 या 4 कंडीशंस में ही हमें नॉर्मली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी भी इसमें 2 तरह की होती है। पहली होती है जिसको हम मोशन प्रिजर्विंग सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट में जो डिस्क नस को दबा रही होती है हम उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं। ये डिस्क एक नॉर्मल डिस्क की तरह ही काम करती है। इसमें शुरू में 7 या 10 दिन के लिए मरीज को कॉलर पहनना होता है और उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ हो जाती है। दूसरी होती है जिसको कि हम फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। इसमें हम उस डिस्क को हटा देते हैं जो कि नस को दबा रही है और उसकी जगह पे एक केज और एक प्लेट डाल के उसको मोशन को हम फिक्स कर देते हैं। इससे थोड़ा मूवमेंट कम होता है गर्दन का, लेकिन इससे भी 95% लोगों को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। इसमें 3 या 4 हफ्ते के लिए सर्वाइकल कॉलर पहनना होता है सर्जरी के बाद, और उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क का इलाज पूरी तरह से हो सकता है। टाइम रहते ही अपने डॉक्टर को दिखाएं और शुरू में दवाइयों से और एक्सरसाइजेस से ही ट्राई करें। ज़्यादातर लोगों को इसमें कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।